पर एंड ओएस जो कि सबके सब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, एंड जो प्लेन है वो निकला है और मिलिट्री और प्रीमोस की तरफ से स्टेलबर्ग की ओर। सो देखते हैं, बहुत सारी टीम जो है वो यसनाया भी गई है, फार्म की ओर उतर रहे हैं। आई थिंक बहुत सारी टीम नोवो जाने की सोच रही होगी। और अगर अपन इधर देखें मिल्टा की साइड पे, तो मिल्टा की साइड पे भी यार टीम्स उतरी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और हमारे लिपोफ का देखते हैं कोई जाता है नहीं जाता, क्योंकि भाई मतलब मैंने देखा यार पिछले जो मैच हो रहे थे उनमें लिपोफ का जा रहे भाई 5-5, 6-6 स्क्वाड। तो मोर्टल को बगी मिल चुकी है तो जैसे कि यार एंड मैंने बोला था सोल का टीम गाड़ी पकड़ के जाएगा, क्योंकि फ्लाइट पार्ट थोड़ा दूर था। ये अच्छी बात है कि वो थोड़ा लूटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गेम में लूट भी मैटर करता है। अगर आपके पास लूट नहीं है तो फिर क्या फायदा। भाई एक फ्लेयर अगर मिलती ना, मतलब जॉर्जो में मिलती है फ्लेयर, अगर एक फ्लेयर मिल गई ना तो मजा आ जाएगा मैच देखने में। ओम वोम के शॉर्ट्स वगैरह एंड यहाँ ऑल पे बहुत ज्यादा एडवांटेज आता है यार। और सोल की टीम ने दो दो फ्लेयर ड्रॉप मंगवाए, और इसमें हमारे को मिला MK14 और ग्रुजा, और उसी के साथ में हमारे लेवल 3 के गेयर्स, हेलमेट, वेस्ट एंड बैग। जैसा कि परितोष ने एकदम स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया था कि ये लोग जोर से पुल जाके प्लेयर जरूर ढूंढेंगे, ये बात सच हो गई है। लगता है परितोष ने देखा ये मैच पहले भी। और मतलब मैंने बोला था एक फ्लेयर मिलेगी, लेकिन इनको दो दो फ्लेयर मिल गई भाई, देख रहे हो। और यहाँ पे मॉर्टल MK उठा लिया, और मेरे को लगता है कि ये सब मतलब अब जो ये MK ऑटो पे चलाने वाला है रेड डॉट लगा के। यप, क्योंकि मोर्टल बहुत पुराने खिलाड़ी है इस गेम के, एंड उनका हम लोगों ने बहुत क्लच सब कुछ देखा है। हम लोगों ने भाई यूट्यूब पे उनके बहुत फेमस है भाई, कॉम्बिनेशन देख भाई, कॉम्बिनेशन देख, M249 के साथ में MK14 ऑटो पे, मतलब एक मतलब स्कोर सामने आएगी या गाड़ी लेके आए, अलग अलग गाड़ी में भी आएगी ना, चारों गाड़ी फोड़ देंगे अकेली। मतलब गाड़ी तो ऐसे फूटेगी ना, मतलब पता भी, कम से कम 5 प्लेयर देख लिया, और उस सब आई में मतलब बढ़िया बढ़िया थिंक चीजें, चार ओम, ग्रोजा, ऑग। ओ या उसमें अच्छे वेपन्स आते हैं, इसीलिए तो है फ्लेयर वो। तो सोल का टीम यार यहाँ पे अभी कंपाउंड होल्ड करते हुए, और मेरे को लगता है शायद इनका ये स्ट्रेटेजी होगा कि मैं इनकी जोन का स्ट्रेटेजी वेट समझ रहा करेंगे। हूँ, ये लोग जोन के इधर यप एकदम यप इसीलिए बैठे हैं, इनको पता है कि और टीम आएगी, वो लोग लूट रहे हैं आराम से, इनको पता है। उधर की तरफ एक टीम भी थी जैसे कि हमने देखा था मैप में, तो देखते हैं अगर वाली टीम इधर ब्रिज से आई तो ये कंफर्म मारेंगे, आई थिंक देखते हैं भाई। दो दो टीम तो उधर से निकल जाएगी रोजोक वाले ब्रिज से। इन लोगों को रोजोक की ओर थोड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग इधर शायद गलत हैं। तो RDX और 2EZ4 की आपस से लड़ाई हो चुकी है अगर आप किल फीड देखोगे तो, और 2EZ4 के बंदे मारते ही जा रहे हैं भाई M16, क्या चला रहे हैं लोग, पहले और भी M16 से मारा था। या बहुत मतलब अच्छा चला रहे हैं M16A4, वो अच्छी गन भी है इसीलिए चला रहे हैं वो। और ये लोग तीन तीन गाड़ी वाला और स्ट्रेटजी ये यूज कर बहुत रहे अच्छी हैं। स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखो गाइस ये स्ट्रैटेजी लोग ये लोग इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर एक गाड़ी फूट जाती है बाय चांस, अगर कोई दो स्क्वाड मिलकर अगर आप पे फायर करती है ना एक साथ, तो गाड़ी इतनी जल्दी फूटेगी आपको पता नहीं चलेगा, सेकंड में हो जाएगा सारा का सारा काम। इसीलिए लोग अलग अलग गाड़ी में, अगर एक टीममेट नॉक होता है दूसरा बंदा गाड़ी घुमाएगा। को ओम वॉम के शॉट देखने को मिलेंगे, और ग्रोजा क्लोज रेंज में, और सोल का स्क्वाड यार यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और ये कंपाउंड होल्ड कर लिया इन्होंने, पोचिंग की के जो बान हाउस होते हैं हमारे वो यार यहाँ पे होल्ड कर रखे हैं, दो बंदे दूसरे में और दो बंदे दूसरे में। तो ये दोनों के दोनों, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्या कर रहे हैं, ये देखो पूरी वाइप आउट कर दी है सोल की टीम ने। वाइपर इज लाइक सबको हेडशॉट दे रहे हैं आराम से, एकदम बैठ कर कह रहे आओ तुम लोग बॉडी पे मारो, मैं हेड पे मारूंगा, तुम लोग पहले मारो मैं आखिर में मारूंगा, लेकिन हेड पे ही मारूंगा। और सोल के यार यहाँ पे मतलब देख रहे हो तुम ओ कितना भाई क्या उड़ा एडवांटेज है, ये लोग बिल्कुल जोन में बैठे हुए हैं मजे दे से, इस और ये गाड़ी उड़ेगी नहीं उड़ेगी। और वहां पे मतलब क्या हो रहा है, इतने सारे स्कोर्स देख रहे हैं मतलब देखने को मिल रहे हैं हमारे को, और ये वाला गाड़ी शायद उड़ जाएगा, और एक बंदा तो नॉक हो ही गया, एक ही बचा है ओके सिर्फ। सोल या और इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया, जैसा कि इन लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये क्या हुआ वो लोग, ओके वो हील कर रहा था उस तरफ जोन के बाहर, हम कुछ बोल नहीं सकते, वो बेचारा हील कर रहा था। तो और टोटल जो है अभी यार 4 किल हो चुके हैं सोल के, और देखते हैं अभी कितने होते हैं। और बाकी यार आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है सोल का टीम जो है कितने किल्स कर सकता है। 5 किल हो चुके हैं इनकी टीम के, और अभी जोन खत्म हो रहा है तो टीम इन्हीं के पास आएगी ज्यादातर, लेकिन जोन अभी दूसरी तरफ बन गया है, ओ माय गॉड, तो इनको भी निकलना पड़ेगा। अगर ये पहले निकल गए तो ठीक रहेगा, क्योंकि और टीम नंबर 14 का जो बंदा है यार वो बेचारा फंस चुका है, आर्यन जो है, मतलब वो बंदा ना नीचे जा सकता, नीचे जाएगा तो जोन से मरेगा, और उसकी हेल्थ भी नहीं, और ये शायद नीचे बच गया भाई फॉल गिरता डैमेज लेके गिरता। भी मर सकता। और सोल का टीम यार अभी भी जो है कंपाउंड होल्ड करके रखा है, ये सोल के यार मुझे 5 किल ये हो चुके हैं। स्ट्रैटेजी नहीं समझ आते बिल्कुल भी, मतलब लोग घर में आके लेटते क्यों है, घर में आपके आप अगर TPP लेना है तो बैठ के लो आराम से, लेकिन लेटना मतलब उधर भी स्नेक। तो सोल का जो टीम है यार वो निकल चुका है अभी जोन के लिए, और देखते हैं यार ये जो है जोन के लिए सोल मतलब की स्ट्रैटेजी देख रहे हो, वो लोग अलग अलग गाड़ियों में आ रहे हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, एक गाड़ी में जाएंगे फूटेगी मर जाएंगे।
फायरिंग हो रही है उनके तरफ, दो तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन वो पहले एक टीम को वाइप आउट करेंगे। फायरिंग हो रही है, पहले वो पोजीशन होल्ड करेंगे। यप, पोजीशन होल्ड कर लिया। और यहाँ पे जो 2v4 का टीम है इनको आराम से मार सकता है रौनक, और एक बंदा नॉकआउट कर दिया है और गाड़ी फुल फिनिश भी कर दिया है। अभी अभी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मोर्टल, भाई मोर्टल ने क्या गजब मारा भाई, मतलब M24 राइन है हाथ में तो यार बस गोली चलाओ बस। लिटरली उस बंदे ने स्विच करा जल्दी से और मार दिया, उसने फुटस्टेप ध्यान से सुने, मतलब लिटरली बहुत जबरदस्त खेल रहा है बंदा। और अभी देखते हैं यार कि हमारा जो 2v4 का टीम है वो बचा है नहीं बचा, क्या लगता है? देखते हैं, आई थिंक शायद फिनिश हो चुका है वो टीम, क्योंकि टीम नंबर 9 है, टीम नंबर 9 में था 2v4, अब बचे हैं टीम नंबर 9 है, वो थोड़ा जोन के बाहर है, बट उनको मुश्किल होने वाला है। टीम नंबर 3, टीम नंबर 6, टीम नंबर 17, मेरे हिसाब से ये जो जोन ये एंड वहां पे होगा स्नाइपर टावर के पास, तो टीम नंबर 3 के पास अच्छा एडवांटेज है। लेकिन सामने सोल खड़ी है, सोल को पहले अपने पीछे जो टीम नंबर 17 जो शेक के अंदर कैंप कर रहा है उसको वो तो मारना पड़ेगा घुस के। अगर वो नहीं मारे तो ये बंदा पीछे से बैक स्टेप करके सबके किल भी चुरा सकता है और उनको भी फुल फिनिश कर सकता है। बाकी देखने वाली बात ये है कि जो वो बंदा जो शेक के अंदर बैठा है वो कब तक होल्ड करता है पोजीशन। और अभी यार उस पे जोन है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अगर कैम करेगा तो बढ़िया है, और अगर टॉप 4 आ गया तो मतलब भाई अलग ही यार, उनके टीम वाले खुश हो जाएंगे। और मोर्टल ने टाइम देख लिया और उसने स्मोक निकाल दिया, उसको पता है कि अब निकलने का टाइम है। और आई थिंक स्मोक की एक लंबी सी वॉल बना दे अगर पूरी की पूरी टीम तो परफेक्ट रहेगा। सोल में से ओवेस जो है वो मार रहे हैं अभी भी, जो कि परफेक्ट कर रहे हैं, एंड सोल निकल गए आगे, मोर्टल भी आगे निकल चुका है, उन्होंने रश कर दिया दूसरी टीम को। बाकी और ओवेस को पड़ी नॉकडाउन, लेकिन कोई नहीं, बाकी तीनों के तीनों टीममेट जो है सोल के उनकी पूरी हेल्थ है। मोर्टल अभी आगे जाएंगे, उनको रेस्ट नहीं करेंगे, उनको पता है रेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी। और एमडी एक बात बताऊं, अभी जो 2v4 का टीम भी बचा हुआ है, सिर्फ दो बंदे मरे थे अभी, जस्ट मैंने देखा, गलती से नेड बाहर आ गया, शायद वो अपने टीममेट को खो सकते हैं शायद। और यहां पे क्रोजा मतलब ओपी यार क्लोज रेंज में, तो और वाइपर ने पूरा जो स्क्वाड मार दिया है। अब देखते हैं अपने टीममेट को रिवाइव देते नहीं देते, ओवेस जो है नॉक है और रिवाइव हो जाएगा इजीली। और उधर की तरफ INF का एक बंदा है जो है पत्थर होल्ड करके बैठा है, और इधर की तरफ हमारे 2v4 की टीम है राइट साइड पे। अभी देखते हैं कि कौन सी टीम जो जीतती है, गाइस कमेंट करके बताओ YouTube पे कि आप एकदम कुक करके फेंका है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रह गया, जबरदस्त खेल रहे हैं टीम नंबर 9 का, क्या होगा बाकी यार कुछ भी बोलो 2v4 वाले बंदे। वेल टीम नंबर 9 के प्लेयर को पहले गाड़ी के जो थे टायर फोड़ देने चाहिए थे, अगर मोर्टल लेट जाता है आगे जाकर तो उसको नीचे से दिख जाएगा, वो मार सकता है फुल फिनिश कर सकता है टीम। लेकिन साइड में एक और टीम है, टीम नंबर 13 जो कि कैंप कर रही है, वो पंगे ले रही है साइड में से, और मोर्टल नॉक हो गया लेकिन बदला ले लिया है। और अगर हम बात करें 2v4 टीम की तो यार ये लोग बहुत बढ़िया खेले, और 16 किल्स इन्होंने ले लिया यार अभी तक, मतलब 16 किल्स यार बहुत होते हैं ऐसे टूर्नामेंट में, जो कि मतलब यार इतना हाई लेवल का टूर्नामेंट है और उसमें तुम 16 किल कर रहे हो तो यार बहुत ही बढ़िया टीम है। अगर उनके यार दो बंदे और होते तो उनपे एडवांटेज थोड़ा ज्यादा होता, बट अभी देखते हैं यार क्या होने वाला है। और पूरा मर चुका है 2v4 का टीम, नहीं क्योंकि उन लोगों ने इतने किल्स ले लिए और टॉप 3 में जगह बना ली है तो पॉइंट्स उनको मिल गए, और जीजी ले लिया है सोल की टीम ने, जबरदस्त सबकी फेवरेट टीम। विनर विनर चिकन डिनर।